सुजानपुर के 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली निधि डोगरा ने योगा में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम किया है। क्षेत्र के पनो ग्राम पंचायत के ख्यूंड गांव की इस नन्ही योग बाला ने योग के संदर्भ में अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन करते हुए सुजानपुर का नाम पूरे संसार में रोशन किया है। दुनिया की पहली योग बाला के तौर पर खुद को स्थापित करने वाली निधि डोगरा शशि डोगरा की पुत्री है। शशि डोगरा पेशे से फिजिकल एजुकेशन के अध्यापक हैं, जबकि उनकी माता निशा देवी आकाशवाणी हमीरपुर में कार्यरत हैं। निधि डोगरा दो भाई बहनों में पहले नंबर की संतान हैं। योग के संदर्भ में पिता शशि डोगरा से मिले संस्कारों के कारण उनकी नैसर्गिक प्रतिभा लगातार निखरी है। नन्ही निधि डोगरा की इस उपलब्धि से अभिभूत होकर सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने उन्हें सम्मानित व प्रोत्साहित करते हुए सबसे पहले 11,000 रुपए का पुरस्कार देते हुए उसे भविष्य में भी प्रोत्साहित करते रहने का वचन दिया है। योगा में वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करने वाली निधि डोगरा की उपलब्धि पर राजेंद्र राणा ने कहा है कि सुजानपुर की इस योग बाला ने समूचे संसार में अपनी उपलब्धि से सुजानपुर का नाम रोशन किया है। योग में अनूठी प्रतिभा के लिए उन्हें सुजानपुर की जनता की ओर से बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि नन्ही निधि डोगरा की उपलब्धि पर समूचे सुजानपुर को नाज है। कि मेरे अपने चुनाव क्षेत्र सुजानपुर में इस बेटी ने निधि डोगरा, जो कि 7th क्लास में माउंट एवरेस्ट पब्लिक स्कूल चौरी में पढ़ती है, जो कि मेरा अपना इलाका है, मेरा अपना गाँव है, जिसने इस बेटी ने विश्व के दो रिकॉर्ड तो नहीं, एक ऑनलाइन और एक अभी धर्मशाला में 15 जून को जो वहाँ पर प्रतियोगिता हुई उसमें इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है, विश्व रिकॉर्ड जो है कायम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज इसको सम्मानित किया गया है और इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज योग की अगर बात करें, बाबा रामदेव की बात करें, ये बेटी बाबा रामदेव को पूरी तरह फेल कर चुकी है। तो इसने योग किया है, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा करिश्मा है। मैंने अपने जीवन में ना तो टीवी पे ना कहीं ऐसा योग करते हुए किसी को देखा, और ये छोटी सी नन्ही सी बच्ची इसने विश्व रिकॉर्ड कायम किया है। मुझे मेरे इलाके की एक बेटी होने के नाते मुझे इस बात का गर्व है, और मैं इस मौके पर जहाँ इसके फादर जो हैं शशि डोगरा जी, जो कि पेशे से अध्यापक हैं, पीटीआई हैं, और इनकी माता जी हैं, इनके दादाजी हैं भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिटायर हुए हैं, तो मैं इनको पूरे परिवार को शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये बेटी अपने जीवन में आगे बढ़ेगी। और इनके घर में और भी बच्चे हैं, एक छोटी सी और अभी
ये अभी फिफ्थ क्लास में है, ये भी बहुत अच्छा योग करती है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये भी एक अपना रिकॉर्ड कायम करेगी। और मैं पूरे परिवार को जहाँ बधाई देता हूँ वही प्रसन्नता प्रकट करता हूँ कि आने वाले समय में ये बेटी और भी नए रिकॉर्ड कायम करेगी और सुजानपुर चुनाव क्षेत्र का, अपने इलाके का, अपने पेरेंट्स का और ख़ासतौर पर हमारा भी नाम जो है वो विश्व में जो है बनाएगी और रोशन करेगी। मैं फिर से इसके लिए इनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं करता हूं और पूरे परिवार को बधाई देता हूं। उल्लेखनीय है कि 20 मई 2020 को अखिल भारतीय योग महासंघ ऑर्गेनाइजेशन योग के ऑनलाइन आयोजन में इस योग बाला को योगा में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के खिताब से नवाजा गया है, क्योंकि 15 जून 2020 को प्रदेश के कांगड़ा में आयोजित योग कार्यक्रम में सुजानपुर की इस नन्ही बेटी का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑर्गेनाइजेशन में दर्ज हुआ है। इस अवसर पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष कैप्टन ज्योति प्रकाश, जिला पंचायती राज अध्यक्ष लेखराज ठाकुर, स्पाहल ग्राम पंचायत के प्रधान अश्विनी कुमार, पनो ग्राम पंचायत के प्रधान राजेंद्र कुमार के साथ प्रधानाचार्य राजेंद्र कौंडल, कांशीराम सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।